बिलासपुर में सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे, हल्की धूप धूप निकली थी, लेकिन शाम के समय तेज हवाएं और जोरदार बारिश होने के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही गुमार में एसडीएम कार्यालय के भवन में धरातल पर बने हुए कमरों की छतों से पानी टपक रहा है, जिससे कर्मचारियों को काम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से कई कार्यालयों में पानी टपका, जहां पर कर्मचारियों को काम करने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा। इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर भी पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है। बिलासपुर में सुबह के समय आसमान में बादल छाए और हल्की धूप भी निकली थी, शाम के समय तेज हवाएं और जोरदार बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही गुमार में एसडीएम कार्यालय के भवन में धरातल पर बने हुए कमरों के छतों से भी पानी टपक रहा है, जिसमें कर्मचारियों को काम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घुमार में क्षेत्र में निरंतर हो रही बारिश से एसडीएम कार्यालय के भवन की छतों से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे कीमती सामान, कंप्यूटर, प्रिंटर और जरूरी दस्तावेज भी खराब होने की कगार पर हैं। कर्मचारियों को यह समस्या काफी समय से हो रही है तथा इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है, पर आश्वासन के सिवा कार्य आगे नहीं बढ़ा। भवन में कुछ रिसाव शौचालयों से निरंतर पानी का रिसाव होता है, जिससे दीवारों व छतों में सीलन रहती है। बेशक कार्यालय में ऊपरी भाग में आजकल कुछ निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिससे ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें पानी का रिसाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। बारिश से जहां रिसाव हुआ है, वह तहसीलदार कोर्ट रूम चैम्बर पेशी शाखा प्रमाण पत्र शाखा तथा रखे हुए प्रमाण पत्रों के ऊपर पानी टपक रहा है। धरातल पर तीन कमरों में निरंतर शौचालय पर पानी भी कई सालों से टपक रहा है, जिस संबंध में पहले भी एसडीएम को अवगत करवाया गया पर फिर भी काम नहीं हो पाया है। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने कहा कि आजकल ऊपरी मंजिल में कुछ भाग का निर्माण कार्य चला हुआ है, जिससे ठेकेदार ने कुछ भाग को उखाड़ा हुआ है, जिसके कारण ये रिसाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठेकेदार को तलब करके उसे सख्त आदेश दिए गए हैं कि इस कार्य को अतिशीघ्र किया जाए। गुमार में पिछले दो दिनों से बहुत तेजी से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मार्च महीने में भी इस टाइम दिसंबर महीने वाली ठंड हो रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।